राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन लिंग संवेदीकरण इकाई द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन लिंग संवेदीकरण इकाई की समन्वयक प्रोफेसर आरती गुप्ता द्वारा प्राचार्य डॉक्टर अजायब सिंह बनियाल के दिशा निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर ऑनलाइन पोस्टर मेकिंग, नारा लेखन, काव्य पाठ पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। काव्य पाठ में नीना ने प्रथम, सिमरन कौर द्वितीय और बबीता तृतीय स्थान पर रही। भाषण प्रतियोगिता में शिखा और सिया ने बहुत अच्छी तरह से समाज में बालिका का स्थान पर अपने विचारों को रखा। पोस्टर मेकिंग में नेहा नैन्सी, शबनम, शीतल, स्वाति, प्रिया कशिश, आयुषी, कुशा राणा, रंजू ध्रुव, दीक्षा पल्लवी, मानसी, रीना, ईशा और दीक्षा ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में ध्रुव प्रथम स्थान पर, विक्रांत द्वितीय तथा शबनम तृतीय स्थान पर रहे। प्रोफेसर आरती गुप्ता ने बताया कि बालिका दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, बच्चियों की सुरक्षा के प्रति समाज में संवेदनशीलता बढ़ाना और इसके लिए सामाजिक सहभागिता की भावना को प्रगाढ़ करना है। उन्होंने कहा कि आजकल बेटियों के जन्मदिन को भी बेटों की तरह ही मनाया जा रहा है, जो कि एक सुखद अनुभूति है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने में कमी न रखे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना समाज का चहुमुखी विकास संभव नहीं है। उज्जवल कल के लिए बेटियों का सशक्तिकरण आवश्यक है। प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की गई हैं। माय नेम इज आरती गुप्ता और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ज्वालाजी में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में पढ़ाती हूं। और आज हम लोग इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वर्ष का हमारा थीम है माई वॉइस आर इक्वल राइट्स। क्या ज़रूरत है हम लोगों को इन दिनों को सेलिब्रेट करने की, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू गर्ल्स, लड़कियों के लिए? क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पैदा होने के बाद से हम उनके अधिकारों को लेना शुरू कर देते हैं, रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। किस तरह से एक अलग ब्रॉटअप डॉटर का, एक अलग ब्रॉटअप बेटे का। तो हम इक्वालिटी की बात जब करते हैं, जैसे संविधान में इफ़ वी टॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट्स, इक्वल राइट्स आर गिवन, लेकिन क्या आप उतने निडर होके अपनी बेटी को बाहर भेज पाते हैं जितना निडर होके हम अपने बेटे को भेजते हैं? या क्या बीइंग अ फीमेल हम उतने निडर होके बाहर जा पाते हैं जितना हम लोग बीइंग मेल चले जाते हैं? वैसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी या समानता स्टेट ऑफ माइंड है। जिस दिन हम मेंटल तौर पे, मानसिक तौर पे उस समानता को एक्सेप्ट करेंगे, उस दिन हम लोगों को ये डेज, ये दो तरह से ले सकते हैं, या डेली मनाए जाएंगे, डेली सेलिब्रेट होंगे, या फिर स्पेसिफिक डेज की हमें जरूरत ही नहीं होगी। तो हम लोग इस थीम को वहां लेके जाएंगे जहां हमें अपनी डॉटर्स को उस बराबरी पे लाके खड़ा करना है, फीमेल को उस बराबरी पे लाके खड़ा करना है, जहां उसे ये ना सोचना पड़े कि बाहर जाऊंगी तो क्या होगा। वो समानता जो विचारों में होगी, वो समानता जो कर्मों में होगी, वो समानता जो सोच में होगी, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आज़ादी तब होगी जिस दिन हम अपनी बेटी को बेटे के बराबर एजुकेट करती बार सोचेंगे नहीं। समानता तब होगी जिस दिन हम बेटी की मैरिज से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी एजुकेशन को देंगे। समानता तब होगी जब हम अपनी बेटी को उसी निडर भाव से बाहर भेज पाएंगे जिसे हम अपने बेटे को भेजते हैं। और समानता तब होगी जिस दिन हम बेटा और बेटी में सोच का जो भेदभाव है उसको हम खत्म कर देंगे।